हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एग्जैक्टली ये थ्योरी हमें रिलेट करती है जो थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस तरह से होती है, इनसे ही रिलेट करती है ये थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एग्जैक्टली क्यों है और इससे क्या रिलेशन होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, यही प्रॉब्लम को डिस्कस फर्स्टली किया गया था माल्थियसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ, जिसे एक्सप्लेन किया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस इन्होंने। इनके बाद कई ऐसे थेरीज यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे आए हैं, जिससे हमें एक्सप्लेन होता है कि किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट भी होती है और ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं। इससे ही फिर आगे जाके माल्थसन के बाद, या हम कहें थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बाद, कई इकोनॉमिस्ट अपने अपने सुझाव से या डेमोग्राफर अपनी अपनी सोच से कई थेरी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, जिसमें सेकंड बनता है ये कई थेरी में से इम्पोर्टेंट, जो सेकंड थेरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली परफेक्ट रीज़न बताता है कि किस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। उसके बाद होता है मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें उन्होंने कैपिटलिस्ट और किस तरह से लेबर, इनमें किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और किस तरह से प्रॉब्लम होने की वजह सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट होने ही वजह से ही होता है। और फोर्थ होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है किस तरह से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, उनकी डेंसिटी और उनकी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, इससे होने वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस कंट्री के अंदर, इससे ही ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। हम अपने थ्योरी पे बेस पे आते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि किसी भी कंट्री के पास दो फैक्टर जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो उसमें नेचुरल रिसोर्सेस और उस कंट्री की पॉपुलेशन। अगर इन दोनों में बैलेंस किया जाए तो उस कंट्री में सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट, या हम कहें ग्रोथ उस कंट्री की हो सकती है। तो उस कंट्री के पास अवेलेबल ये नेचुरल रिसोर्सेस होना चाहिए और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो भी डेडिकेशन अपने कंट्री के बारे में होना चाहिए। इन दोनों का मिक्सअप करेंगे तो उस कंट्री की ग्रोथ होती है। तो ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह भी यही होती है कि उस कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हो, तो इससे ही उनकी पॉपुलेशन, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो लोगों का यहाँ पे नज़रिया यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स पे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो उसके साथ साथ उस कंट्री की जो इम्पोर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेस, और उसके साथ साथ अपनी ग्रोथ की वो पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ और भी बेहतर कर सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे उस कंट्री की अगर ग्रोथ बढ़ती है नेचुरल रिसोर्स की, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है और फाइनली उस कंट्री में जो पॉपुलेशन है उनकी जो ग्रोथ होती है और उनका जो बर्डन उस कंट्री में और भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये फोकस करती है किस तरह से उस कंट्री की जो बैलेंस है पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। यही थ्योरी में हमें समझना है जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस तरह से बनती है। और उसी के साथ इस थ्योरी में हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 20th century में किस तरह से इम्पोर्टेंट बना है कॉन्सेप्ट को, और इसको ही स्टडी करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनी है, ये थ्योरी बनी है, और उसको ही समझने के लिए हम उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो उसी के साथ इन सिंपल मेथड से हम समझते हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में अगर पर कैपिटल इनकम या उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन या उनकी ग्रोथ अगर अच्छी तरह से होती है, तो उसी के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक हद तक लोगों की पर कैपिटल इनकम या उस कंट्री की जीडीपी
वो वही रेट से नहीं बढ़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या उसमें स्टॉप हो जाती है, डिक्लाइन करती है, बट एक बार जब पॉपुलेशन बढ़ने स्टार्ट कर देती है तो वो आगे जाके और भी बढ़ती है, जिससे इन डिफरेंस जो क्रिएट होगा पॉपुलेशन ग्रोथ का और उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इनमें इम्बैलेंस होने की वजह से ही कई प्रॉब्लम यहाँ पे उस कंट्री को क्रिएट होते हैं। यहाँ पे दो तरीके से नज़रिया होता है किस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक हेल्पिंग हैंड भी होती है उस कंट्री की ग्रोथ को बनाने में, और एक सेकेंड जो उस सेकेंड हैंड उसका हम देखेंगे तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ये और भी बर्डन उस कंट्री पे बना सकती है, जिस तरह से इंडिया और चाइना ये जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती हुई जो कंट्री है, ये और भी बढ़ती हुई जो जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसमें से कई परसेंटेज ज़्यादा से हमें इन दोनों कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन दिखाई देता है। थेरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, इस थेरी में हमें कई इकोनॉमिक्स या हम कहे डेमोग्राफर अपने अपने थॉट्स से यहाँ पे अपनी अपनी थेरी डेवलप करते हुए दिखाई देते हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये इनमें जो कई इकोनॉमिक्स है अपने अपने थॉट्स से उन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन किस तरह होने की वजह जो है और उनके जो स्टेजेस है फेस है इनमें अलग अलग हमें फेजेस दिखाई देते हैं, बट उनका जो ट्रांजेक्शन होने की जो सिचुएशन होती है और उनका जो रीज़न है यही होता है कि किस तरह से पॉपुलेशन में ग्रोथ या उसमें जो चेंजेस आएंगे, यही करवट यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने की वजह या डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन एक फेस से दूसरे फेस में जाने की कोशिश करता है, और इसमें कई इकोनॉमिक्स इसे थर्ड फेस कहते हैं तो कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे फेजेस होते हैं ऐसे बताते हैं। तो एक इकोनॉमिक्स जो है सीपी ब्लैकर, इन्होंने फाइव फेजेस पे यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो ये थेरी ऑफ डेवलपमेंट में यहाँ पे फर्स्टली जो यहाँ पे डिस्कस किया गया था जो अमेरिकन डेमोग्राफर थे वॉरेन थॉम्सन, इन्होंने 1887 और 1973 इनका टाइम पीरियड रहा है, और उन्होंने ये थेरी पब्लिश की थी 1929 में, और उन्होंने कहा था ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन है उनके तीन तरह के यहाँ पे फेजेस होते हैं और यही फेजेस से यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन पास होता है। उनके बाद जो एफ डब्ल्यू नॉटेस्टेन जो अमेरिकन डेमोग्राफर थे उनका टाइम पीरियड रहा है 1902 टू 1983, उन्होंने अपनी ये थेरी पब्लिश की थी 1945 में। उनके उनके नज़र से भी ये फेजेस तीन तरह के होते हैं और इससे ही डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन होते हैं। थर्ड यहाँ पे कार्ल सैक्स जो अमेरिकन डेमोग्राफर है उनका टाइम पीरियड रहा है 1819 टू 1973, इन्होंने उनके हिसाब से यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के चार फेजेस हमें बताए हैं। उसी के साथ जी टी ट्रेवर था और अमेरिकन डेमोग्राफर थे, उनका टाइम पीरियड रहा है 1896 टू 1984, इनके भी हिसाब से यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के फोर स्टेजेस या फेजेस होते हैं। और लास्ट यहाँ पे सी पी ब्लैकर जो फ्रांस डेमोग्राफर थे उनके हिसाब से यहाँ पे फाइव यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के फेजेस होते हैं और उनका टाइम पीरियड रहा है 1895 टू 1975। बढ़ती हुई पॉपुलेशन ये एक रीज़न भी होता है उस कंट्री की किस तरह से बर्डन क्रिएट करती है, क्या प्रॉब्लम फेस करते होते हैं, तो इसी से हमें अंदाज आ सकता है जहाँ पे आज के डेट पे जो 2021 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन टोटल है 7.9 बिलियन, जो एक लार्जेस्ट अमाउंट नंबर यहाँ पे दिखाई देता है। अगर यही रेट से अगर ये पॉपुलेशन और भी बढ़ेगी तो हमें 2050 में ये 9.9 बिलियन यहाँ पे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिखाई देगी, जो इतनी बड़ी अमाउंट है, और इससे किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके हर कंट्री को उनके रिसोर्सेस पे या उनकी जो प्रोडक्शन सिस्टम किस तरह से होगी और लोगों को किस तरह से कंजम्पशन
लेने में दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में यही डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन हमें एक्सप्लेन करती है कि यही बैरियर करना चाहिए कि किसी तरह से हमें इस पॉपुलेशन को बढ़ने से हमें रोकना चाहिए। वर्ल्ड में हमें टोटल 195 कंट्रीज़ होती है, और इनमें से दो अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री हम देखें तो एक नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना, उनकी पॉपुलेशन 1.41 बिलियन, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 18.33%। बहुत बड़ी यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन उनका पॉपुलेशन में रहा है। सेकेंड, वही 19-20 का जो फ़र्क होगा यहाँ पे इंडिया और चाइना में इस तरह से ही है, जहाँ पे इंडिया भी वर्ल्ड के पॉपुलेशन कंट्री में सेकेंड आती है। उनकी यहाँ पे पॉपुलेशन 1.35 बिलियन, यहाँ पे लार्ज नंबर यहाँ पे हमें मिलता है, जो कंट्रीब्यूशन उनका वर्ल्ड में पॉपुलेशन में है 17.57%। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कभी भी यहाँ पे इंडिया चाइना को टेक ओवर कर सकता है, इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन हमें दिखाई देती है। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को, यहाँ पे जब 5 बिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन बनी इस डेट पे, तभी यहाँ पे एक अलर्ट किया गया कि अभी इस सिचुएशन को या कॉन्सेप्ट को और भी डीपली हमें लेना चाहिए, जिससे हम डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन होने की वजह और उनमें किस तरह से हम कंट्रोल उनकी लिमिटेशन करें। इससे ही 11 जुलाई यहाँ पे 5 बिलियन यहाँ पे जब पॉपुलेशन ग्रोथ की, यही से ही यहाँ पे इसकी और भी इम्पोर्टेंस हमें दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डेफिनेशन। यहाँ पे हमें फर्स्ट जो प्रोफेसर कोल एंड प्रोफेसर हुवर, इनके मुताबिक यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बनती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन मस्ट ऑपरेट थ्रू वन और मोर ऑफ दिस द थ्री डिटरमिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। प्रोफेसर कोयल एंड हुवर, इनके अनुसार यहाँ पे जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ की जो होती है या पॉपुलेशन की होती है, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन, इनकी तीन यहाँ पे वजह उन्होंने बताई है, जहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, इन तीन इम्पोर्टेंस यहाँ पे उन्होंने बताया है। पर मोस्ट ऑफ बर्थ रेट और डेथ रेट को ही माना जाता है। सेकेंड, हमारा जो डेफिनेशन है प्रोफेसर डोलान के साथ साथ हमें मिलता है, उनका कहना है, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन रेफर टू अ पॉपुलेशन साइकिल दैट इज बिगिन विद द फॉल इन द डेथ रेट, इन्फ्लुएंस विद द फेस ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द इंक्लूड विद द डिक्लेन इन द बर्थ रेट। उनके अनुसार जब ये पॉपुलेशन ग्रोथ एक साइकिल की तरह होती है, जहाँ पे फर्स्टली जो फेजेस होता है वो लो कंडीशन में होता है, फिर यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे रैपिडली बढ़ती है, उसके बाद फिर कहीं जाके डिक्लेन करने के बाद एक कांस्टेंट यहाँ पे रिजल्ट पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स है, ये 5 तरह के प्रिंसिपल ही हमें शो करते हैं कि एग्जैक्टली ये थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन किस तरह से बनती है और उसकी बेस क्या है। इसमें फर्स्ट है, देयर इज़ द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द पॉपुलेशन चेंजेस एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे फर्स्ट हमें जो पॉइंट कहता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन चेंजेस होंगे, उसकी वजह यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और इसमें स्ट्रॉन्गली यहाँ पे इंटरकनेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है साइक्लिकल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे जो ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ की, ये साइक्लिकली होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन स्टार्ट में लो, फिर यहाँ पे रैपिडली, और उसके बाद फिर डिक्लेन, फिर स्टेशनरी स्टेट इस कंडीशन में हमें दिखाई देती है। थर्ड हमारा पॉइंट बनता है मेनली 4 स्टेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। कई इकोनॉमिक्स अलग अलग तरह के, कई इकोनॉमिक्स 3 तरह के यहाँ पे फेजेस बताते हैं, तो कई इकोनॉमिक्स 4, तो कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे 5 तरह के स्टेजेस होते हैं, इस तरह से अपने थॉट्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ हम इस
थ्योरी में 4 स्टेजेस की पॉपुलेशन ग्रोथ को और उसके साथ उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, इज द कॉन्सेंस ऑफ द स्लो ग्रोथ देन द रैपिड एंड द एक्सप्लोसिव ग्रोथ देन स्लो ग्रोथ अगेन एंड लास्ट स्टेडी ग्रोथ। इस तरह से 4 तरीके के यहाँ पे जो फेजेस होते हैं ये इस तरह से एक्सप्लेन होते हैं, जो फर्स्टली स्लो ग्रोथ, सेकेंड रैपिड एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ, थर्ड स्लो ग्रोथ अगेन एंड फोर्थ लास्ट स्टेडी ग्रोथ। और हमारा लास्ट पॉइंट जो बनता है प्रिंसिपल, इन द पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन द रीज़न फॉर द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज दैट द रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी इज द मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंक्रीज इन बर्थ रेट। इज द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन सो डज द मोर्टेलिटी एंड द देन द पॉपुलेशन ग्रोथ टेंड्स टू स्टेबलिश बोथ द बर्थ रेट एंड द मोर्टेलिटी रेट्स रीच रिकॉर्ड लो। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट स्टेजेस यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे हाई लेवल के डेथ रेट और बर्थ रेट रहेंगे, सेकेंड में जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ बर्थ रेट बढ़ेंगे और डेथ रेट यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद आगे जाके हमें एक लेवल तक जब डिक्लिन दोनों भी करेंगे तो एक पॉइंट पे दोनों भी लो लेवल पे उनकी जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। जिस तरह से हमने कहा कि इस थ्योरी में हम 4 तरीके के फेजेस स्टेजेस हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट स्टेजेस जिसे कहा जाता है या उसे प्री ट्रांजेक्शन पीरियड कहा जाता है, सेकेंड स्टेजेस या प्राइमरी ट्रांजेक्शन पीरियड समझा जाता है, तो थर्ड यहाँ पे जो फेजेस है उसे डेवलपिंग या एडवांस ट्रांजेक्शन पीरियड कहा जाता है, और फोर्थ जो स्टेजेस है उसे पोस्ट ट्रांजेक्शन पीरियड कहा जाता है। इस तरह से फर्स्ट जो स्टेजेस है जिसे प्री ट्रांजेक्शन पीरियड कहा जाता है, ये इंडस्ट्री बनने से पहले की जो टाइम पीरियड है इसमें ये कंडीशन आती है, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट एक हाई लेवल इक्वल कंडीशन में हमें दिखाई देती है, एक ऊंचे ऐसे पायदान पे हमें मिलेगी जहाँ पे उतने ही बर्थ रेट होंगे उतने ही डेथ होते हुए हमें दिखाई देंगे, और ये जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की ये स्टेबल हमें दिखाई देगी या हमें लो इंक्रीजिंग दिखाई देगी, कि दोनों में बैलेंस बनेगा, जितना इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ पे डिक्लिन करता हुआ यहाँ पे डेथ रेट से हमें दिखाई देगा। तो ये जो ग्रोथ है ये लो लेवल की इंक्रीजिंग हमें दिखाई देगी, और इस कंडीशन में पूरी तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पूरी तरीके से लो लेवल का होगा, और यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो कंडीशन होती है उसमें इकोनॉमिक, सोशली और कल्चरल इम्पोर्टेंट को ज़्यादा माना जाता है, जहाँ पे चाइल्ड लेबर ज़्यादा हो जिससे और भी लोगों की इनकम बढ़ेगी, और उसमें भी यहाँ पे जो लड़के होना इसमें ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे लोगों की कंडीशन इकोनॉमिकली जब लो होती है तब लोगों की यहाँ पे मोस्ट ऑफ सोर्सेज जो इनकम के होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से ही फैमिली में ज़्यादा इनकम आ सकती है, यही माइंडसेट लोगों का होता है। इस कंडीशन में हमें दिखाई देता है लोगों की एजुकेशन कम होती है, लोगों का जो ह्यूमन के बदले जो एम्पावरमेंट है उसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंडीशन नहीं मानी जाती। उसी तरीके से यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होने की कंडीशन, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होना और जो इम्प्रूवमेंट है मेडिकल फील्ड का यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे पैंडेमिक इलनेस, चाइल्ड डेथ, इस तरह के कई प्रॉब्लम, या हम कहें लोगों की गरीबी, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट, इस कई प्रॉब्लम से यहाँ पे ये स्टेजेस से ये प्रे ट्रांजेक्शन पीरियड गुजरती है, जहाँ पे लोगों का माइंडसेट यहाँ पे बर्थ रेट यहाँ पे ज़्यादा होना, जिससे लोगों को अपनी फैमिली में हेल्प हो, और इस तरह से यहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटी नहीं होने की वजह से डेथ रेट होता है। तो यही दो सिचुएशन इस फर्स्ट यहाँ पे स्टेजेस में हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे हाई लेवल पे यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट हमें दिखाई देते हैं, जो जो
लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने की जो कंडीशन यहाँ पे लो इंक्रीजिंग कंडीशन में हमें दिखाई देता है। हमारा सेकेंड जो स्टेजेस बनता है उसे कहा जाता है प्राइमरी ट्रांजिशन पीरियड। इस कंडीशन में लोगों की इकोनॉमिकली ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू होता है और यहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरने स्टार्ट हो जाती है। लोगों को हेल्थ इनोवेशन होता है जहाँ पे लोगों की मेडिसिन फैसिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है और यहाँ से ही यहाँ पे डेथ रेट को यहाँ पे डिक्लेन करना स्टार्ट कर देता है। बट लोगों का जो थिंकिंग थॉट्स जो होता है ये यहाँ पे बर्थ रेट को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते दिखाई देते बट मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे मिलने की वजह से लोगों की डेथ रेट यहाँ पे बहुत कई तरीके से यहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे फूड में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कई यहाँ पे मेथड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ से फूड सप्लाई और भी बढ़ता है। लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे फूड प्रोडक्शन और भी कई गुना लेना यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है और भी बढ़ती है और लोगों का जो ऑब्जेक्शन है पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने की ये कोशिश यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती है जहाँ पे बर्थ रेट और भी बढ़ता है और यही कंडीशन से हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस यहाँ पे कंडीशन मिलती है जहाँ पे लोगों की इनकम कम होती है और लोगों का इकोनॉमिकली बैकग्राउंड और भी कम होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं पॉसिबल होता है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और कई यहाँ पे कम होने की वजह हमें दिखाई देती है। उससे ही हमें इम्बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है और रूरल से अर्बन जो माइग्रेशन ये भी एक कंडीशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। लोगों का लार्ज फैमिली होना, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन होना और बर्डन जो होता है रिसोर्स पे और भी यहाँ पे बढ़ने की जो सिचुएशन है हमें यही फेजेस से दिखाई देता है। हमारा थर्ड जो स्टेजेस है जिसे डेवलपिंग या एडवांस ट्रांजेक्शन पीरियड कहा जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटी को और भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देता है और यहाँ पे इस कंडीशन में लोगों को यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना इम्पोर्टेंट है। इस तरह से माइंडसेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं इससे भी कंट्रोल किया जाता है जिससे लोगों की जो डेथ रेट है और भी कम होती हुई दिखाई देती है। और इस कंडीशन में हमें जो बूढ़े लोग होते हैं या ओल्ड जो पॉपुलेशन है वो और भी ज़्यादा दिखाई देती है और लोगों को पॉपुलेशन यहाँ पे जो कम करना है तो यहाँ पे यंग जनरेशन यहाँ पे बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन उनकी है वो कम दिखाई देती है। उसी तरह से यहाँ इस कंडीशन में हमें फैमिली जो कंजम्पशन है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और लोगों की मैरिज एज यहाँ पे और भी ज़्यादा होती है। लोग शादी करना डिले करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे जो कंट्रोल करने की सिचुएशन फैमिली प्लानिंग इस कंडीशन हमें दिखाई देती है जहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे लो लेवल का हो जाता है। जहाँ पे इस कंडीशन में लोगों को लेडीज़ को जो पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है वो भी जॉब करते हैं। यहाँ से हमें दिखाई देता है कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है इसे कंट्रोल में आने के लिए ये एडवांस ट्रांजेक्शन मेथड जो है पीरियड ये भी इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे यहाँ पे फैमिली की जो साइज़ है या हम कहें कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली हमें दिखाई नहीं देती है। न्यूक्लियर फैमिली कंडीशन हमें दिखाई देती है जहाँ पे ये यूरोप और अमेरिका इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं जहाँ पे लोगों का रहना लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड और भी जिस तरह से चेंजेस होंगी उस तरह से यहाँ पे लोगों का जो बर्थ रेट है इसमें देखने का नज़रिया पॉपुलेशन बढ़ती हुई किस तरह से कम होना इम्पोर्टेंट यहाँ पे फोकस किया जाता है। इस तरह से हमारा जो फोर्थ यहाँ पे जो स्टेजेस है उससे कहा जाता है पोस्ट ट्रांजेक्शन पीरियड। एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन जाती है जहाँ पे लो लेवल पे यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे एक कंडीशन में जो लो लेवल पे यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे उनकी इंक्रीजिंग हमें लो लेवल पे दिखाई देती है। यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ
हमें दिखाई देता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होना उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उन पे क्या बर्डन आता है, लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस किया जाता है। जिस इस कंडीशन ने हमें दिखाई देता है कि किस तरह से यहाँ पे जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का किस तरह से बढ़ता है, लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा होता है और लोग एग्रीकल्चर से यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हम कहें कि किस तरह से माइग्रेशन भी हमें दिखाई देता है और इससे लोगों का जो इंडस्ट्री में उनका वर्किंग यहाँ पे सिस्टम हमें दिखाई देता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे वर्किंग कंडीशन हमें दिखाई देता है। और इसमें ही हमें दिखाई देता है कि और भी यहाँ पे फैमिली प्लानिंग किस तरह से हो और जो यहाँ पे स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली इस तरह की कंडीशन हमें दिखाई देता है। इस फोर्थ कंडीशन में हमें लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर, उसी तरह से लोगों को हाई एजुकेशन और स्पेशली लेडीज़ की जो इम्पावरमेंट होती है और भी ज़्यादा दिखाई देती है। हर सिचुएशन में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ और भी ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है साइंस पे लेके यहाँ पे कई और ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। और इस कंडीशन में माइग्रेशन जो कंडीशन होती है इसमें रूरल से अर्बन सिटी या मेट्रो जो सिटी होती है यहाँ पे पॉपुलेशन और भी यहाँ पे माइग्रेशन की हुई दिखाई देती है। जहाँ पे एग्जांपल हम देखें जापान, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कई इस तरीके से जो कंट्री है यहाँ पे हमें ये इस स्टेबल ऐसी कंडीशन में हमें ये कंडीशन एग्जांपल में आ सकते हैं। इस तरह से स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की किस तरह से पीरियड होते हैं, ये पीरियड को कई इकोनॉमिक्स फोर्थ यहाँ पे स्टेजेस से गुजरती हुई दिखाई देती है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। और इसी के साथ साथ हम भी यहाँ पे जो चार यहाँ पे जो स्टेजेस होते हैं इस तरह से हम एक डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टेजेस होता है ये स्टेजेस यहाँ पे हमें ये लाइन हमें दिखाई देती है कि बर्थ रेट किस तरह से एक्सप्लेन होता है और ये लाइन हमें दिखाई देती है कि डेथ रेट किस तरह से बढ़ता है। तो इस तरह से जब इन दोनों में जब एक हाई लेवल की हमने देखा कि फर्स्ट स्टेजेस पे जिस तरह से हाई लेवल पे यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट हमें दिखाई देता है, बट इनमें जो जो कंडीशन हमें दिखाई देगी कि ये जितनी बर्थ रेट है उसमें और भी उसी लेवल में यहाँ पे डेथ रेट होता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीजिंग जो होगी ये कम लेवल पे होती है, जहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पे फिक्स यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि कितने यहाँ पे सिचुएशन में पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये एक हाई लेवल पे जाके हमें बर्थ रेट और डेथ रेट मिलता है जो फर्स्ट स्टेजेस को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड स्टेज में हमें पता चलता है कि जिस तरह से मेडिसिन फैसिलिटी यहाँ पे बढ़ती है, तो यहाँ पे लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड होने की वजह से लोगों का जो बर्थ रेट है ये बढ़ता है, बट डेथ रेट यहाँ पे कम होता हुआ या हम कहें कि डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है। तो लोगों का माइंडसेट यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेजेस से था बर्थ रेट को लेके वही कंटिन्यूसली सेकेंड स्टेज तक रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेजेस से सेकेंड स्टेज से आ जाते समय यहाँ पे बर्थ रेट को यहाँ पे जो रेट है वो इस उसी माइंडसेट से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बट यहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटी मिलने की वजह से डेथ रेट यहाँ पे कम होता हुआ सेकेंड स्टेजेस से पता चलता है। तो इस तरह से हम थर्ड स्टेजेस में जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लोगों की माइंडसेट बर्थ रेट को लेके कम होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे लोगों को ये सिचुएशन समझ में आता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन और भी यहाँ पे रिसोर्सेज पे यहाँ पे बर्डन दे सकती है। तो लोग फैमिली प्लानिंग इस कंडीशन में थर्ड स्टेजेस पे जाके यहाँ पे जब ये बर्थ रेट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है, बट उसी के साथ साथ इस थर्ड स्टेजेस में यहाँ पे मेडिसिन इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा होने की वजह से डेथ रेट और भी कम होते हैं। तो इसी के साथ यही कंडीशन में यहाँ पे थर्ड स्टेजेस पे यहाँ पे और भी कम होती हुई यहाँ पे डेथ रेट दिखाई देती है, बट उसके मुकाबले यहाँ पे बर्थ रेट उसी कंडीशन में नहीं दिखाई देती है। बट ये जब फोर्थ स्टेजेस आता है यही स्टेजेस हमें बताता है कि लो लेवल पे भी यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट लो लेवल पे
बढ़ता हुआ आगे दिखाई देता है। बट इस तरह से आगे जाते हमें दिखाई देता है कि बर्थ रेट और भी कम होगा और डेथ रेट में बढ़ने की जो रेट है ये कम होता हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों भी बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों भी कम होते हुए हमें लो लेवल पे ये कंडीशन फोर्थ एक्सप्लेन करती है। यही जो सेकंड स्टेज होता है और थर्ड स्टेजेस होता है, इन दोनों में जब बर्थ रेट और डेथ रेट इन दोनों में जो गैप क्रिएट होगा यही गैप को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहेंगे, जिसमें इतनी बड़ी हुई पॉपुलेशन ये जो एडिशनल जो बर्डन उस कंट्री पे आता है यही पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हमें एक्सप्लेन करता है। जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेजेस इन दोनों के बीच में जब बर्थ रेट और डेथ रेट इनमें गैप क्रिएट होता है यही गैप को हम बढ़ी हुई पॉपुलेशन कहेंगे। और जिससे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन किस तरह से होगा, जब ये स्टेजेस फर्स्ट से सेकेंड में जाएगी, सेकेंड से थर्ड जाएगी और थर्ड से जब फोर्थ में जाएगी, इन फेजेस में जब चेंजेस होंगे पॉपुलेशन को लेके, तो इसी को ही हम थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इसी तरह से हमारा लास्ट पॉइंट बनता है जो क्रिटिक्स यहाँ पे इस थ्योरी पे किए गए हैं। इस थ्योरी में जिस तरह से माल्थेशन थ्योरी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से बढ़ता है इसे एक्सप्लेन करती है, बट इसमें इस कंडीशन में माल्थस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेक्स के द्वारा जो नेचर जो यहाँ पे पॉपुलेशन को किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल करती है इस तरह से उन्होंने फोकस किया था। सेकेंड यहाँ पे मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें मार्क्स कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही यहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करती है जिससे ये पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने की वजह बनती है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी यहाँ पे जो उस कंट्री के यहाँ पे पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और उनकी डेंसिटी किस तरह से होती है इनको फोकस करती है। बट इन थ्योरीज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन में यहाँ पे उनसे इन चारों में अगर कोई बेहतर यहाँ पे थ्योरी होगी तो उसमें थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन को ही यहाँ पे समझा जाता है, जो साइंटिफिकली और प्रॉपरली यहाँ पे सिचुएशन को यहाँ पे रिलेट करती है। उस तरह से इस थ्योरी में कई ऐसे क्वेरी यहाँ पे निकल के आते हैं जहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इस थ्योरी पे क्रिटिक्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्रिटिक्स इस तरह से है, इसमें फर्स्ट है, अल्दो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, पॉपुलेशन चेंजेस इन द मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर द सीन इन डिफरेंट फॉर्म। ये थ्योरी जब यहाँ पे बनाई गई थी ये बेस करती थी जहाँ पे यूरोपियन कंट्री में बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और ये पॉपुलेशन किस उस कंट्री को यहाँ पे जो बेनिफिट ली है या लॉस करती हुई दिखाई देती है, इस बेस पे ही यूरोपियन कंट्री को नज़र रखते हुए ही ये थ्योरी यहाँ पे डेवलप की गई थी। बट यूरोपियन कंट्री में कई ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये पॉपुलेशन डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो एक वन मेथड ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है जो हर कंट्री को यहाँ पे अप्लाई हो। तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे उस थ्योरी को करते हुए कई इकोनॉमिक्स ये बेस करते हुए दिखाई देती है जहाँ पे यूरोपियन कंट्री को ही फोकस किया गया था। सेकंड यहाँ पे क्रिटिक्स बनता है, इट्स हैज़ बीन द आर्ग्यू डैट दिस द थ्योरी इज द नॉट अ वेरी यूजफुल इन एनालाइज अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन द पॉपुलेशन। ये थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती है और कई इकोनॉमिक्स इसमें आर्गू करते हैं कि ये एनालाइज जो यहाँ पे किया गया था ये फ्यूचर में किस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन होगा, तो ये किस फेज से कब ये फेज में दूसरे या दूसरे से तीसरे में और तीसरे में फोर्थ में जाएगा, तो ये पॉपुलेशन चेंजेस फ्यूचर में किस तरह से होंगे उस कंट्री में लेके और क्या उनको यहाँ पे इम्पैक्ट होगा और इससे क्या उनको बेनिफिट होने वाला होगा ही या नहीं, इसे कहना मुश्किल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, क्रिटिक्स आर द स्केप्टिकल अबाउट द एक्सटेंट टू द विच दिस द प्रिंसिपल अप्लाइज टू द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। कई इकोनॉमिक्स या क्रिटिक्स इस तरह से यहाँ पे इस थ्योरी को लेके प्रॉब्लम में है कि ये थ्योरी अंडर डेवलपिंग कंट्री को किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी, तो ये कहना भी मुश्किल है।
कि किस तरह से यहाँ पे ये थेरी उनको भी यहाँ पे सूटेबल हो, या उनके प्रिंसिपल इन अंडर डेवलपिंग कंट्री को किस तरह से यहाँ पे हैंडल करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजूम दैट इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू द डिक्लेन इन फर्टिलिटी। जब यहाँ पे फर्टिलिटी डिक्लेन करेगी तभी यहाँ पे उस कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यहाँ पे इस तरह से अज्यूम किया गया है। बट कई यहाँ पे ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ भी कर रही है, जिस तरह से चाइना हो, इंडिया हो, उनकी इकोनॉमिकली ग्रोथ यहाँ पे होती है और उनकी नेशनल लेवल पे यहाँ पे जो मार्केट है उनमें भी उनकी पावर बनती हुई दिखाई देती है। जितना पॉपुलेशन उनका ज़्यादा है उनकी जो ग्रोथ है वो भी इकोनॉमिकली बढ़ती हुई, उनका जीडीपी उस कंट्री का बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये अजूम जो किया गया है कि फर्टिलिटी यहाँ पे डिक्लेन करेगी तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द प्रेडिक्ट एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस थेरी। ये थेरी जिस तरह से यहाँ पे तीन स्टेजेस या चार स्टेजेस या पांच स्टेजेस से यहाँ पे गुजरती हुई कई इकोनॉमिस्ट हमें एक्सप्लेन करते हैं, बट ये स्टेजेस को लेके हर इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक से हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनकी जो थॉट्स है हमें अलग अलग फेजेस पे स्टेजेस को लेके दिखाई देती है। तो ये प्रेडिक्ट जो करना है ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि एक फेजेस से जाते हुए कितना लंबा समय यहाँ पे दूसरा स्टेजेस में जाने के लिए लेगा, तो ये कहना मुश्किल है और ये परफेक्टली नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है देर इज़ द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट दिस द इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर द पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी भी यहाँ पे बताई जाती है इकोनॉमिक्स करते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसरी होता है, क्या यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन होना ही ज़रूरी है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन होगा तभी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री की होगी, ये नेसेसरी है क्या? यही कंट्रोवर्सी यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिखाते हैं और उनमें ये क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा हमें दिखाई देता हुआ दिखाई देता है, जो ये परफेक्टली यहाँ पे ये नहीं रूल करता और ये इम्परफेक्टली हमें सिचुएशन या रियलिस्टिक नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमें बनता है कि दिस थेरी इज़ लैक ऑफ कॉन्सिस्टेंसी एंड द एक्यूरेसी। इन दो कॉन्सेप्ट से हमें दिखाई देती है कि ये थेरी कितनी वीक होगी, ऐसा कई इकोनॉमिक्स का मानना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।